तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल के बारे में। जो मेरा YouTube चैनल है वो उसकी फर्स्ट इनकम है वो आई है या फिर नहीं आई। तो दोस्तों ये आप लोगों का ही कहना था और मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ शायद आप लोगों के काम की चीज़ हो, क्योंकि ये वैसे ही इस तरीके की जो वीडियो है वो यूट्यूब पर बहुत सारी डली हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को भी जरूर देखना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मेरे जो फर्स्ट इनकम है वो आई है या फिर नहीं आई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब ने मेरे चैनल को लगभग दिसंबर में मोनेटाइज किया था, इसी कारणवश से मैं अपने चैनल पर अपडेट नहीं दे पाया और तो इस कारण से मेरे जो वीडियो है वो मेरे वीडियो नहीं आ पाए थे। तो इसी वजह से मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे डाउन हो गया। अगर आप लोग अगर YouTube पर आना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप YouTube पर आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू वीडियो डालें। अगर आप एक दिन में एक वीडियो डालते हैं तो रेगुलर वीडियो डालें, अगर दो दिन में एक वीडियो डालते हैं तो दो दिन में ही एक वीडियो डालें, अगर सात दिन में एक वीडियो डालते हैं तो आप सात दिन में एक वीडियो डालें। इस तरीके से अगर आप वीडियो अगर YouTube पर रहेंगे तो आपका चैनल है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, एक ना एक दिन जरूर ग्रो करेगा। जिस तरीके से मैं पहले अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा था तो मेरा तक मतलब ग्रो हो रहा था, धीरे धीरे मेरा चैनल है वो ग्रो हो गया था और मैंने मतलब अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाली थी, इस कारण से मेरा चैनल है वो डाउन हो गया था। अगर मैं कंटिन्यू वीडियो डाल देता तो मेरा चैनल है वो डेफिनेटली और आगे बढ़ जाता, तब भी मेरे यूट्यूब चैनल पर लगभग 3,000 सब्सक्राइबर के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। और ये आप लोगों का ही सपोर्ट है कि आप लोग ने मेरे चैनल को इतना ऊपर तक पहुंचाया, लगभग 3,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं कम्प्लीट, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। बस मेरे चैनल की जो फर्स्ट इनकम है वो अभी तक नहीं आई है और उसका कारण यही है कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया था। अगर रेगुलर वीडियो डालता तो शायद जो मेरा चैनल है वो ग्रो होता और मेरी फर्स्ट इनकम भी आ जाती। और फर्स्ट इनकम का मैंने कुछ सोच के रखा है कि मैं फर्स्ट इनकम का क्या करने वाला है, वो तो शायद अगर मेरी फर्स्ट इनकम आएगी तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आएगी नहीं तो फिर मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं तो आप कंटिन्यू वीडियो डालें। शायद ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं ये जो भी वीडियो यूट्यूब पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डाली है उसमें यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों को 1,000 सब्सक्राइब और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है तो आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो डालनी है और अपना खुद का कंटेंट डालो। अगर आप अपना खुद का कंटेंट डालोगे तो आपका जो चैनल है वो डेफिनेटली ग्रो होगा। अगर आप दूसरे का कंटेंट डालोगे ग्रो तो हो जाएगा, जैसे ही आप अपना कंटेंट डालोगे अपना फेस वैल्यू दिखाओगे तो फिर आपका चैनल वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको अगर यूट्यूब पर सक्सेस होना है या आपको यूट्यूबर बनना है तो आप लोग यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो डालें। ये मैं आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल तो डेड हुआ, इससे मेरे को वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है कि मेरा चैनल डाउन हो गया है या फिर सही चल रहा है, इससे कोई नहीं, क्योंकि मैं एक इससे अलग भी एक जॉब करता हूं तो मेरा उस जॉब से मेरा काम चल जाता है और मेरा जो भी अर्निंग होती है कुछ भी होता है वो मेरा उससे हो जाता है। तो मेरे को एक यूट्यूब चैनल मेरा चले या फिर ना चले इससे मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो पहले आपने जॉब को अगर अच्छा खासा जॉब है तो YouTube पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप मतलब कंटिन्यू हफ्ते में एक बार वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।